नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार शर्मा ने बताया कि हम सब चयनित शिक्षक हैं। 2018 से अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली है। हम सभी लोग दर दर भटक रहे हैं। हमारे जो साथी हैं वह फुल्की का ठेला लगा रहे हैं। कई तो मजदूरी कर काम गुजार रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मजदूरी कर पढ़ाई की है और मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाए हैं, लेकिन यह सरकार है मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारी ओर से ध्यान नहीं दे रही है। हम सभी चयनित शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो प्रतिक्रिया है जो कि रोक दी गई है वह जल्द से जल्द शुरू कर दे और हम सभी को नियुक्ति प्रदान करे। मेरा नाम नंदराम शर्मा है। हम सभी चयनित शिक्षक हैं। हम लोगों को 2018 से लेकर के अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हम सभी लोग दर दर भटक रहे हैं। हमारे जो साथी हैं वो कहीं कोई जो है टिक्की के ठेले लगा रहे हैं, कहीं भल्ले के ठेले लगा रहे हैं, कई लोग जो है यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे हैं, कई जो है सीमेंट का घोल घोल रहे हैं तो कहीं पर रेता डाल रहे हैं, कई लोग जहाँ तक ये मानिए जिनके जो है घर पे सुबह खा करके शाम को खाने के लिए नहीं है, ऐसे लोग जो पढ़ लिख करके कैसे भी करके शिक्षक बने हैं, यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाए हैं, लेकिन ये सरकार है कि जो है मुख्यमंत्री जी है या शिक्षा मंत्री जी है, सरकार जो हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम सभी चयनित शिक्षकों को बस ये सरकार से गुहार है कि जल्दी से जल्दी जो हम सभी को सभी का जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो रोक दिया गया है, उसे जल्द से जल्दी शुरू कर दें और शुरू करने के पश्चात जल्द से जल्दी जो है नियुक्ति प्रदान करें। इसलिए हम सभी लोग जो है जितने भी चयनित शिक्षक हैं सभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया करते थे और अब जो प्राइवेट स्कूल के जो भी जो मालिक लोग हैं वो हमको स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं रख रहे। वो कह रहे हैं कि आपका नंबर तो सरकारी टीचर में आ गया है, आप तो सरकारी शिक्षक बन गए हो। तो यहाँ काहे के लिए बैठे हो? हम लोग इसीलिए आए हैं। हम यहाँ पर ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से चाहते हैं कि हमको हमारे लिए आज ही पोर्टल जो है अपडेट कर दिया जाए और यहाँ पर डेट निश्चित कर दी जाए कि आपकी इस डेट से जो है यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको जो है यहाँ पर एक महीने के अंतर्गत आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। सरकार नहीं सुनती है तो जो है हम यहाँ पर जो है उनको आंदोलन की प्रक्रिया जारी रखेंगे और जो भी उसके बावजूद जो है सरकार से हम गुहारी लगा सकते हैं। हम जो है चयनित शिक्षक हैं, हम सरकार से विरोध नहीं करेंगे। मामा हमारे जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, शिक्षा मंत्री भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम केवल गुहार लगाना चाहते हैं। वो लोग आए यहाँ पर, वो आकर के हमको एक निश्चित डेट बताएं, इस डेट में आप लोगों की जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।